हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मंडल। मैं हूं आपका अपना राजवे और आज आपके सामने BMW RR310 मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखने मिलेगी सेफ्टी फीचर्स जो कि आपको दिखाता हूं। इसके अंदर आपको देखने मिलेगा फॉर प्रोटेक्शन, जिससे आपके USG शॉकर्स, मरगार्ड और इधर आपके डिस्प्ले वगैरह सबको जो है सेफ। और इधर आपको देखने मिलेगा नीचे फॉक्स लेडर, जिससे आपका नीचे का पूरा शॉकर सेफ हो जाता है। और साथ में आप देखेंगे इधर ये आपका जितना भी ABS सिस्टम है ये सेफ होता है। साथ में आपकी डिस्प्ले होती है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और ये गोल्डन कलर लगा दिया क्योंकि गोल्डन से मैचिंग ज़्यादा चलाएगा। गोल्डन शॉकर है, गोल्डन ही आपका ये लगा दिया, गोल्डन आपके पॉकेट लग गया तो गोल्डन मैचिंग पूरा ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लुक लगने के बाद। साथ में आपको देखने मिलेगी अंदर वो है आपकी रेडिएटर गार्ड जो कि लगा दिया, काफ़ी हैवी क्वालिटी का रेडिएटर गार्ड है जो लगा दिया है। इससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी आप ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग कुछ भी करते हैं ना तो क्या होता है पत्थर जाके लगता है रेडिएटर पर, और वहाँ पर रेडिएटर अगर ज़रा सा भी रेडिएटर का लीकेज स्टार्ट हुई ना पत्थर लगने से तो समझ लो गाड़ी आपकी वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। तो उसे बचाने के लिए एक रेडिएटर गार्ड लगा दिया गया है जो कि स्टेनलेस स्टील है और उसमें MS का भी आता है, लेकिन हमने SS इसलिए यूज़ किया है क्योंकि SS पे आपका जंग बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है और फुल्ली तरीके से होते प्रोटेक्ट। इधर आपको देख मिलेगी इसकी पूरी जेन्युइन फिटिंग की आपका विंगलेट जो कि इसमें इंस्टॉल कर दी गई है BMW 310 की, जो कि लगा दी गई इसके अंदर। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर लीवर गार्ड जो ग्रे और कार्बन की मैचिंग का लगा दिया गया इसके अंदर। इससे आपके लीवर ही प्रोटेक्ट होता है, साथ में आपके हैंड भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और ये ध्यान दें भैया का एक चैनल है अभिमन्यु मेहरा, तो ये अभिमन्यु मेहरा इनकी ID है। आप चाहो तो इनको सब्सक्राइब लाइक शेयर करना चाहो तो कर लो, जो भी इनसे जोड़ना चाहे वो कर सकता है। इनकी मेल ID प्लस इनकी इंस्टा ID आपको देख सकते हैं। ये भी भैया से जुड़ने के लिए, भैया हमारे पास राजस्थान से आते हैं काम कराने के लिए, काम अच्छा लगता तभी भैया आते हैं। भैया से इंट्रो बाद में कराऊंगा, पहले मैं गाड़ी का इंट्रो कराया था। इसमें और क्या क्या हुआ है, ये आपके हो गया लीवर गार्ड, इसमें लगा दिया सब सिमटेक का मोबाइल होल्डर जो कि फुल्ली वायरलेस वाला है। और इसके आपको मिलते हैं 1.5 ईयर की गारंटी जो कि काउंटर प्लेसमेंट, जब भी आपको ख़राब हो कुछ नहीं करना, सीधा कार्ड लाइए हैंड टू हैंड आप चेंज करा लीजिए, हमको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे इसको अगर वो गारंटी कार्ड आपके अवेलेबल हुआ तो। सिमटेक ओरिजिनल है, वायरलेस का है, इसमें आपको वाटर प्रूफ नॉन वाटर प्रूफ नॉन वाटर मिल जाता है और बहुत सारी वैरायटी सिमटेक की मेरे पास मिल जाती है और नॉर्मली बहुत सारी वैरायटीज़ हैमरो मोबाइल होल्डर की। और इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर क्रैश गार्ड जो कि लगा दे फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जिससे आपकी ये लगा लो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, एक्सीडेंट होने के बाद आपकी भैया की गाड़ी ना पूरी तरीके से सेफ हो चुकी थी लास्ट टाइम। अब भैया आए हैं तो भैया ने इसको थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करवाया है, मीन्स पेंट वेंट करके पूरा जर्मन तरीके से फिट करा दिया गया है। और क्रैश गार्ड से जो गाड़ी बचती है ना वो आप देख सकते हैं गाड़ी में कहीं भी आपको स्क्रैच देखने में मिलेगा, और सेम इधर ही सेम आपको मिलेगा इस तरफ भी। और उसमें ड्यूल स्लाइडर होते हैं, एक आपका इस तरफ एक आपका इस तरफ होता है। ये देखिए इस पर निशान जरूर दिख रहा होगा आपको, बट गाड़ी में कहीं निशान नहीं, देखिए ये निशान इसी से पता बताता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है बट गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये क्रैश गार्ड की खासियत यही होती है कि आपकी पूरी फेयरिंग, पूरा टैंक और खुद के लेग्स ये सबको करता पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, जो कि भैया का किया गया था। तो जितने भी बाइक्स हों सब में क्रैश गार्ड नीडफुल है अगर आपको सेफ्टी फीचर्स चाहिए तो। और इसके बाद दिखाता हूँ इसका टैंक पैड जो कि लगा दिया गया, देख सकते हैं ये आपका रेड और ग्रे की मैचिंग का जो कि इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। गाड़ी की मैचिंग है तो गाड़ी की मैचिंग के अकॉर्डिंग लगा दिया गया है। इससे आपका जितना भी टैंक होता है ना, जब बैठते हैं ना राइडिंग करने के दौरान बेल्ट जो होती है ना वो आपके आगे लगते हैं यहाँ पर, तो उससे यहाँ पर आता है स्क्रैच, तो उस स्क्रैच को बचाने के लिए आपकी गाड़ी पे कोई हार्म ना पहुँचे इस केस में से लगा दिया गया। अब यहाँ पर कोई भी स्क्रैच वगैरह कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि जब भी खराब हो टैंक पेड ख़राब होगा ये आपका इजीली चेंज हो जाता है, टैंक खराब हो टैंक तो चेंज करवाया गया नहीं, तो इसलिए इस केस में लगा दिया गया। साथ में आपको दिखाऊंगा इसके अंदर लगाया गया, आप देख सकते हैं कुशनिंग वाला कवर इसलिए क्योंकि सॉफ्टनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है राइडिंग करने के दौरान भी, और साथ में प्लेन राइडर के लिए भी, ये भी दोनों सेम कर दिया गया है कुशनिंग विद कवर। और ये कवर होते हैं वाटरप्रूफ इसलिए क्योंकि कभी भी पानी वानी बारिश वगैरह कुछ भी आता है तो आपका पानी ऐसे ही इसका रिमूव हो जाता है, गीला नहीं होता। तो ये लगा देगा फुल्ली वाटरप्रूफ वाला। साथ में आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगाया साइलेंसर स्लाइडर, ये देखिए ये इसका एग्जॉस्ट स्लाइडर, जब गाड़ी गिरती है ना तो इसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, एग्जॉस्ट वगैरह भी टूटता ख़राब होता बिल्कुल भी नहीं है, ये उसके फ़ायदे के लिए लगा दिया गया है एग्जॉस्ट स्लाइडर। और ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। अब मैं मिलवाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है, भैया कहाँ से आते हैं हमारे पास, भैया काम हमारा कैसा लगता है, आइए भैया। तो भैया आपको जब आते हैं तो आप काम वगैरह कैसा लगता है, आप पूरा बताइए विस्तार में। काम वगैरह बहुत अच्छा, कंफर्ट जोन है पूरा, इसलिए मैं राजस्थान से इतनी दूर चल के आता हूँ SKD बाइक मॉडिफिकेशन के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद में जितने भी प्रोडक्ट और एसेसरीज जो भी लगे हुए हैं वो बहुत कंफर्ट रेंज के अंदर, और ज़्यादा कुछ भी बजट नहीं है, बहुत कम बजट के अंदर आपका बहुत बहुत ज़्यादा सेफ्टी का काम हो जाता है, इसलिए मैं इतनी दूर आता हूँ उनसे, और बहुत ही बढ़िया
तरीके से मैं बिल्कुल संतुष्ट होकर जाता हूँ। तो लास्ट टाइम आपने क्रैश गार्ड लगवाया था, तो मुझे बताएंगे कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो आपका क्या बचा, बचा या नहीं बचा? हाँ जी, बहुत कुछ 80% बच गई एक साइड से। क्या क्या हुआ था गाड़ी इधर खड़ी आपकी, क्या क्या डैमेज हुआ था जो आपने कंपनी में उस साइड से, मतलब गिरी इस तरफ से? गिरी। ठीक है, तो आपका इस तरफ बताएंगे क्या क्या हुआ था? इस तरफ से पूरा बच गया, लेकिन ये जो मोबिल वगैरह डालने वाला था एक छोटा सा, वो बस हल्का सा टूटा था, बाकी थोड़ा बहुत ये स्क्रेच हुआ, बाकी इस चीज़ की वजह से टोटली बच गया पूरा। समझ लो कि ये लगाने से ना भैया का पूरा फेयरिंग टैंक और खुद के लैग्स भी भैया के बच गए। हाँ, पूरी सेफ्टी के साथ बच गए। कितने स्पीड में आपका एक्सीडेंट हुआ था? ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन 50-60 की था। 50-60 कम थोड़ी होती यार। 50-60 की स्पीड में भैया का एक्सीडेंट हुआ था और भैया की गाड़ी पूरी तरीके से बच गई थी। एक ऑयल का बोल्ट होता है, ऑयल का प्लास्टिक का वो होता है कैप, जस्ट वो ब्रेक हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ। तो समझ लो कि इतनी प्रोटेक्शन वाली चीज़ है जो भैया ने लगवाई, शायद लास्ट टाइम हमारे कहने से लगवाई थी और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं भैया को पूरी तरीके से मिला। जी जरूर, सही बात है। तो अब आप ध्यान दें, आपको भी क्या करना है, चैनल है हमारा राजू भाई SKD के नाम से, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, और एक भैया का चैनल अभिमन्यु मेहरा 2260, इसको भी सब्सक्राइब करें भैया के चैनल को, और इंस्टा पे भैया को फॉलो कर रहे हैं रॉकस्टार मेडली, मतलब कहने का ये रॉकस्टार है पागलपंती वाले। तो ध्यान दें, वैसे मेरी भी जो आइडिया ना वो raj.rockstar.verma के नाम से, तो आज फाइनली मुझे रॉकस्टार देख कर ना मैंने कहा यार वाकई में मैं अकेले रॉकस्टार नहीं, एक और रॉकस्टार है मेरा भाई। तो इंस्टा भी फॉलो कर ले मेरा जो कि है राजू भाई SKD, और यूट्यूब भी फॉलो कर रहे हैं राजू भाई SKD के नाम से, और भैया भी हमारे रिटर्न कस्टमर हैं। रिटर्न कस्टमर ज़्यादातर वहीं आता है जहाँ पर आपको काम अच्छा मिलता है, क्यों भैया? सही बात है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर काम खराब मिलेगा तो भैया राजस्थान छोड़ो, परली गली से नहीं आएगा कोई, क्यों जी? तो SKD का मेरी शॉप है जो कि दिल्ली करोल नायोल आपको मिलने वाली है, जो कि हमेशा से मेरी यहाँ पर है, पिछले 2.5 साल से मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और SKD के जो मेरी फुल फॉर्म है वो ये है शालू कुलदीप डुब्बू, जो कि मेरी फैमिली नेम है, और आप भी मेरी फैमिली। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का काम कहीं भी कभी भी ख़राब हो। कुछ ऐसे बंदे जिन्होंने मेरे नाम से शॉप खोली हुई है बट कोई फ़ायदा नहीं है उनका, क्योंकि सिंपल सी बात है बहुत से लोग आते हैं कि भैया ओवर प्राइस कर रखा है उन्होंने और काम की माँ बहन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कंप्लेंट्स। इनफैक्ट एक कस्टमर ने ऑनलाइन उनसे कुछ सामान मंगवाया, ठीक है ना, मैं हो सका तो मैं देख लूँगा, उसने मेरे को व्हाट्सअप पढ़ा हुआ, तो वो सामान भी उन्होंने गलत भेज दिया कस्टमर वाले के। मैंने कहा भैया आप कोई बात नहीं, सामान को मुझे रिटर्न कर दो, मैं आपको उसका परफेक्ट आपको सामान भेज दूँगा, जो कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यार सिंपल सा नाम हमारा ख़राब हो रहा है उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ कि कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना दिमाग चलाएं। जो जनमन शॉप है राजू भाई की, कृपया वहीं से आप सामान लेना चाहें तो ले, वरना आपकी इच्छा, वरना जैसे वो परेशान है आप भी परेशान हो। मैं तो कुछ कहने से, मैं तो बचाना चाहता हूँ कि कुछ स्कैमर्स हैं जो आए हुए हैं, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय।